वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने बोला है जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इफ जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो देखो, तो मेरा ये न्यूक्लियस है और मेरा ये न्यूक्लियस। आई हैव टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। सो ये एक्सिस क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा। सो नाउ इफ दिस इज माय जेड एक्सिस, तो मेरा ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? अगर ये जेड एक्सिस है सो ये क्या हो जाएगा? 2pz। ये भी क्या हो जाएगा? 2pz। सो आई कैन सी 2pz और 2pz ये कौन सा ओवरलैप करेगा? 2pz 2pz हेड ऑन ओवरलैप करेगा। सो 2pz और 2pz जब हेड ऑन ओवरलैप करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा ऑर्बिटल मिलता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो 2pz 2pz हेड ऑन ओवरलैप टू गिव यू सिग्मा 2pz। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब 2px कैसा होगा? देखो अगर ये जेड एक्सिस है सो 2px तो ऐसा होगा ना, दिस विल बी माय 2px। तो ये हो गया 2px। सो देखो 2px कौन सा ओवरलैप कर सकता है? 2px एंड 2px साइडवेज ओवरलैप करेगा। तो साइडवेज ओवरलैप अगर 2p का होगा तो कौन सा ऑर्बिटल मिलना चाहिए? वी विल गेट पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्डिंग। सो 2py गिव्स यू पाई 2py पाई बॉन्ड। दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सॉरी मैं हम लोग 2px का किए अभी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 2px गिव्स पाई 2px, ये भी सही होने वाला है। क्यों? ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कैसा होगा? तो इफ दिस इज माय जेड एक्सिस दिस इज माय एक्स एक्सिस, तो मेरा वाई एक्सिस अगर हम लोग लेंगे तो मेरा वाई एक्सिस कैसा होगा? लेट से ऐसा होता है, ठीक है, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सो मेरा ऑर्बिटल कैसा होगा? ये एक न्यूक्लियस होगा, दूसरा न्यूक्लियस ये होगा, तो 2py एंड दिस इज माय 2py। तो ये भी कौन सा ओवरलैप करेगा? ये भी साइडवेज करेगा। सो 2py एंड 2py अगर ओवरलैप करता है तो इस वाले केस में साइडवेज ओवरलैप करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड। सो ये भी सही है, बोले थे। सो ए बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। अब लास्ट वाले को देखते हैं, 1s कैसा होता है? देखो 1s ऐसा होगा, दिस इज 1s और मेरा ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस ऐसा वाला एक्सिस है। सो माय वाई ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस, दिस इज माय 2py। नाउ इनका ओवरलैप क्या होगा? देखो इनका ओवरलैप ये प्लस है ये माइनस है और 1s है, 1s इज ऑलवेज प्लस, साई का साइन में लिख रहा हूं। हम लोग को पता है 1s का साई पॉजिटिव होता है और 2p का वन लोब हैज पॉजिटिव साई एंड अदर लोब हैज नेगेटिव साई। सो देखो ये जो ओवरलैप है ये इसको साइडवेज ओवरलैप नहीं बोलते, दिस विल गिव यू नो रिजल्टेंट ओवरलैप। इससे आपको कोई रिजल्टिंग ओवरलैप नहीं मिलेगा, रिजल्टिंग ओवरलैप इन दिस केस इज जीरो। क्यों समझो बात को, ये मेरा 1s है, दिस इज ऑलवेज प्लस और मेरा 2py इस तरीके से ओवरलैप करेगा, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। प्लस ओवरलैप विथ प्लस इज ओके बट प्लस कैन नॉट ओवरलैप विथ माइनस। तो देखो जितना वॉल्यूम या जितना एरिया प्लस प्लस का ओवरलैप है, इक्वल एरिया इज प्लस माइनस का। सो दिस इज परमिटेड एंड दिस इज नॉट परमिटेड, तो नेट ओवरलैप इज जीरो ओवरलैप। सो इससे आपको कोई भी बॉन्ड नहीं मिलता बिकॉज देयर इज नो नेट ओवरलैप,
resulting overlap is zero. So we will not get any sort of bond. So this option is incorrect. So one is 2PY से कभी भी sideways overlap नहीं कर सकते. One is को अगर overlap करना है P से तो एक ही तरीका है, इस तरीके से overlap कीजिए, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है. इस केस में सिग्मा मिलता है, बट ये ओवरलैप तभी पॉसिबल है, ये तो 1s है. अगर ये एक्सिस y एक्सिस होगा, दिस एक्सिस इज y एक्सिस, तभी तो ये py बनेगा ना, तो ये ओवरलैप पॉसिबल है. बट हम लोग को पता है ये एक्सिस तो z एक्सिस है, y एक्सिस y तो है ही नहीं है, इंटरनिकुलर एक्सिस पहले ही बोल रखा है जेड है, तो दिस ओवरलैप हुआ ही नहीं. क्यों? क्योंकि पी वाई ऐसा तो है नहीं, पी वाई तो इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, पी वाई इस तरीके से है ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से कौन एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो इधर पी जेड हो सकता है, पी वाई को तो ऐसे ही होना होगा. उस केस में ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, उस केस में तो ये ओवरलैप हो रहा है, और दिस ओवरलैप इज जीरो ओवरलैप, तो यहाँ ना ही आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा ना ही पाई मिलेगा, नो नेट ओवरलैप है, कोई बॉन्ड यहां नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट.